छठगण गुरुकुल के ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। छठगण महान समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें अपनी मंजिल नहीं मिल जाती है। गुरुकुल भी आपका आवाहन करती है छठगण, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें नौकरी नहीं मिल जाती है। छठगण मेहनत करें, कठिन परिश्रम करें, अपने आप को झोंक दें, तभी सफलता मिलेगी। भीड़ बहुत है, अपार जन समूह है, लेकिन जो भीड़ से अलग हट करके चलता है, जो जन समूह से अलग हट करके चलता है, वही विजेता बनता है। छठगण सफल व्यक्ति किसी भी काम को थोड़ा सा अलग ढंग से करते हैं, इसलिए वह सफल हो पाते हैं। छठगण विगत कक्षाओं में दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक अवस्था के बारे में आपने पढ़ा था, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश के शासकों के बारे में। इब्राहिम लोदी अंतिम शासक था जो कि बाबर के साथ 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित हुआ और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, लोदी वंश का अंतिम शासक, दिल्ली सल्तनत का पराभव, पतन, मुगल साम्राज्य की स्थापना। छठगण दिल्ली सल्तनत में ही अगले पाठ कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर में हम लोग पढ़ेंगे। स्थापत्य कला और साहित्य दो भागों में बांटा गया छठगण, इसे आप ध्यान देंगे, कला एवं संस्कृति के तहत हेडिंग बना लेंगे। दो पार्ट में बांटेंगे छठगण, स्थापत्य कला और साहित्य ध्यान देंगे छठगण, है ना। छठगण सबसे पहले लिखेंगे दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला, दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला, कला। फिर हेडिंग बनाएंगे छठगण, गुलाम वंश की स्थापत्य कला, गुलाम वंश की स्थापत्य कला, कला। देखिए गुलाम वंश के समय लाल पत्थरों का उपयोग व्यापक पैमाने पर किया गया था तथा ऊंची ऊंची इमारतों का निर्माण किया गया था, ऊंची ऊंची इमारतों का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा छठगण, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित इमारतें, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित इमारतें, इमारतें। लिखे कुतुब मीनार, कुतुब मीनार देख लिया छठगण, कुतुब मीनार आपने देखिए डैश देखे, दिल्ली के महरौली में स्थित, महरौली में स्थित इस इमारत का निर्माण, इमारत का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में करवाया था, करवाया था। नेक्स्ट, कुतुब मीनार के निर्माण को, कुतुब मीनार के निर्माण को इल्तुतमिस ने पूरा करवाया था, इल्तुतमिस ने पूरा करवाया था, पूरा करवाया था। नेक्स्ट,
कुतुब मीनार में पांचवीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। कुतुब मीनार में पांचवीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। नेक्स्ट तीर्कनिशान लाल पेन या हरा पेन। कुतुब मीनार का जीर्णोद्धार, कुतुब मीनार का जीर्णोद्धार सिकंदर लोदी ने करवाया था, सिकंदर लोदी ने करवाया था। नेक्स्ट लाल पत्थरों से निर्मित इस इमारत में 375 सीढ़ियां हैं, 75 सीढ़ियां हैं, 375 सीढ़ियां हैं। यह नीचे से 15 फीट चौड़ा तथा ऊपर जाकर 3 फीट की चौड़ाई को प्राप्त करता है, प्राप्त करता है। लाल पत्थरों से निर्मित, लाल पत्थरों से निर्मित यह भारत का सबसे ऊंचा इमारत है। लाल पत्थरों से निर्मित यह भारत का सबसे ऊंचा इमारत है, इमारत है। छात्रों क्या सवाल आएंगे, गौर कीजिएगा। कुतुब मीनार कहां मौजूद है? दिल्ली में। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी याद में? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में किया गया था, ध्यान रखिएगा। कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू जरूर करवा दिया, लेकिन बीच में ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी 1210 में, इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुतुब मीनार में किस प्रकार के पत्थरों का उपयोग किया गया है? लाल पत्थरों का उपयोग किया गया है। कुतुब मीनार में वर्तमान में कितनी मंजिल है? 5 मंजिल है। छतगण कुतुब मीनार किस सूफी संत की याद में बनवाया गया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनाया गया था। कुतुब मीनार दिल्ली के महरौली में स्थित है। गाना भी आपने सुना होगा, देखो देखो दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, है ना छतगण। दिल्ली के कुतुब मीनार में 375 सीढ़ियां हैं। नीचे से इसका व्यास 15 मीटर है और ऊपर जाकर के 3 मीटर हो जाता है छतगण, है ना। नीचे में 15 मीटर का व्यास है चौड़ाई और ऊपर जाकर के यह 3 मीटर का हो जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। छतगण इसकी ऊंचाई लगभग 73 मीटर है छतगण, है ना। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? लगभग 73 मीटर है छतगण। 5 मंजिलों की यह इमारत है छतगण। कुतुब मीनार में पांचवी मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनाई। कुतुब मीनार का जीर्णोद्धार सिकंदर लोदी ने करवाया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा छतगण कि किन किन शासकों का संबंध कुतुब मीनार से है। तो नींव डाल रहा है, शुरुआत कर रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक, पूरा करवा रहा है इल्तुतमिश, पांचवी मंजिल को जोड़वा रहा है, स्थापित करवा रहा है फिरोज शाह तुगलक, और चिन्ह सिन्ह अवस्था की टूट फूट की मरम्मत जीर्णोद्धार करवा रहा है सिकंदर लोदी। सारे चीजों को छात्रगण याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त रूप से प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको आएंगे, इसलिए कुतुब मीनार से जुड़े हुए हर पहलू को याद रखिएगा कि आखिर क्या है। कई फिल्मों में भी आपने कुतुब मीनार के सीन देखे होंगे, कई फिल्मों में इसके सीन को दिखाया जाता है, ध्यान रखिएगा छात्रगण, कुतुब मीनार की विविधताओं और विशेषताओं को आपको ध्यान रखना होगा, है ना। नंबर 2 लिखेंगे छात्रगण, कुवत उल इस्लाम मस्जिद, कुवत उल इस्लाम मस्जिद लिखिए। भारत की इस प्रथम मस्जिद मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने
ने कुतुब मीनार के सामने सामने करवाया था करवाया था। इस मंदिर के निर्माण के लिए अनेक हिंदू एवं जैन मंदिरों को अनेक हिंदू एवं जैन मंदिरों को ध्वस्त कर उसके मलबे से इस मस्जिद का निर्माण किया गया था किया गया था। नेक्स्ट नंबर तीन, ढाई दिन का झोपड़ा, ढाई दिन का झोपड़ा लिखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजस्थान के अजमेर में विग्रह राज विशल देव द्वारा निर्मित संस्कृत महाविद्यालय एवं सरस्वती मंदिर को ध्वस्त कर ढाई दिन में इस इमारत का निर्माण किया गया था। यह इमारत एक मस्जिद है। यह इमारत एक मस्जिद है है यह इमारत एक मस्जिद है। नेक्स्ट छठगन, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इन तीन महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण किया गया है। कुवतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली के महरौली में स्थित है, जो कि हिंदू मंदिरों और जैन मंदिरों को ध्वस्त करके बनाई गई है। विग्रहराज विशल देव द्वारा निर्मित संस्कृत महाविद्यालय और सरस्वती मंदिर को तोड़कर ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद अजमेर में ढाई दिन में बनाया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इसलिए छात्रगण, आपको इन सभी चीजों को याद रखना है। पूछेगा ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ है? राजस्थान के अजमेर में। किसने बनवाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया है ढाई दिन का झोपड़ा। एक एक चीजों को छात्रगण ध्यान रखेंगे, एक एक चीजों को मनन करेंगे, एक एक चीजों को याद रखेंगे, एक एक चीजों को स्मरण करेंगे। छात्रगण, कुतुबुद्दीन ऐबक और गुलाम वंश की इमारतों में इंडो इस्लामिक कला नजर आता है। छात्रगण लिखेंगे, नोट में लिखेंगे, NOTE नोट लिखेंगे छात्रगण। गुलाम वंश की इमारतों एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला में इंडो इस्लामिक इंडो इस्लामिक कला नजर आती है क्योंकि भारतीय स्थापत्य कला के नमूनों भारतीय स्थापत्य कला के नमूनों जैसे मंदिरों, भवनों,
एवं अन्य स्मारकों को ध्वस्त कर उसके मलबे से इस्लामिक इमारतों का निर्माण किया जाता था। इस्लामिक इमारतों का निर्माण किया जाता था, इसलिए इस कला को इंडो इस्लामिक कला कहा जाता है। इस्लामिक कला कहा जाता है। छद्मगन क्या है इंडो इस्लामिक कला, ध्यान दीजिएगा। छद्मगन भारतीय और इस्लामिक कला के मिश्रण को इंडो इस्लामिक कला कहा जाता है। छद्मगन हिंदू कला और इस्लामिक कला का जो मिश्रण होता था, इसे इंडो इस्लामिक कला कहा जाता है। क्या होता था छद्मगन इसमें? छद्मगन हिंदू इमारतों को तोड़कर, हिंदू प्रतीक चिन्हों को तोड़कर, हिंदू मंदिरों भवनों गुंबजों को तोड़कर उसके मलबे से मुस्लिम इमारतों का निर्माण किया जाता था। छद्मगन इसे ही इंडो इस्लामिक कला कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत में, विशेष तौर पर गुलाम वंश में यह कला नजर आती है। जैसे छद्मगन विग्रहराज विसलदेव द्वारा बनाए गए संस्कृत महाविद्यालय और सरस्वती मंदिर को तोड़कर उसके मलबे से मस्जिद बनाई गई, ये इंडो इस्लामिक कला है। कुवतुल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली के महरौली में है, भारत की पहली मस्जिद, जैन मंदिर और हिंदू मंदिरों को तोड़ करके बनाई गई उसके मलबे से, ये भी इंडो इस्लामिक कला है, जिसे आपको ध्यान रखना होगा। छद्मगन है ना। अब लिखेगा इल्तुतमिश द्वारा निर्मित इमारतें लिखे। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत में मकबरों का जन्मदाता कहा जाता है। मकबरों का जन्मदाता कहा जाता है। इसे भारत में गुंबद निर्माण का पिता भी कहा जाता है। गुंबद निर्माण का पिता भी कहा जाता है। इसने दिल्ली सल्तनत का प्रथम मकबरा अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद महमूद की याद में सुल्तान गली का मकबरा दिल्ली में प्रथम मकबरे के रूप में बनवाया था। नेक्स्ट, इसने अजमेर में प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में इनका मकबरा बनवाया था। कंप्लीट छद्मगन। नेक्स्ट तीर्थ निशान। इल्तुतमिश ने राजस्थान के जोधपुर के नागौर में
अतिरिकेन, अतिरिकेन का दरवाजा, अतिरिकेन का दरवाजा दरवाजा बनवाया था, अतिरिकेन का दरवाजा बनवाया था बनवाया था। इस दरवाजे से प्रेरित होकर, इस दरवाजे से प्रेरित होकर होकर इस दरवाजे से प्रेरित होकर अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट तीर्थंकर इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था। कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था करवाया था कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था करवाया था। छतगन ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश भी पूछेगा कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था, ध्यान रखिएगा। किसे मकबरों का जन्मदाता कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। किसे गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम मकबरा इल्तुतमिश ने कौन सा मकबरा बनवाया था, सुल्तान गली का मकबरा, किसकी याद में, अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में बनवाया था। छतगन ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अतिरिकेन का दरवाजा किसने बनवाया था, अतिरिकेन का दरवाजा इल्तुतमिश ने बनवाया था। अतिरिकेन का दरवाजा किस लिए प्रसिद्ध है, छतगन राजस्थान के जोधपुर के नागौर में स्थित यह दरवाजा जब अकबर ने देखा तो इसी से प्रेरित होकर के उसने अपनी राजधानी फतेहपुर सिकरी में भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। छतगन पूछेगा किस इमारत से प्रेरित होकर मुगल सम्राट अकबर ने बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में बनवाया था, तो अतिरिकेन का दरवाजा से प्रेरित होकर के अकबर ने बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में बनवाया था। छतगन अतिरिकेन का दरवाजा किसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने। मकबरों का जन्मदाता किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को। गुलमोहर निर्माण का पिता किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। छतगन ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था, इसे भी छतगन आपको ध्यान रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखेगा बलबन द्वारा निर्मित इमारत लिखे। बलबन ने दिल्ली में लाल महल का निर्माण करवाया था, लाल महल का निर्माण करवाया था। छतगन यह है गुलाम वंश के द्वारा निर्मित इमारतें। छतगन इसमें एक ट्रिक मैं आपको जरूर देना चाहूंगा, गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित इमारतों का एक शानदार ट्रिक मैं आपको देना चाहता हूं। छतगन आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी बेटा, जिसमें अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, अरुणा ईरानी की बहुत ही शानदार भूमिका थी। इसका गीत भी बहुत लोकप्रिय हुआ था, कोयल सी तेरी बोली कुकू 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 कुकू, सूरत है कितनी भोली कुकू कुकू। एक गीत और भी लोकप्रिय हुआ था, धक धक करने लगा, है ना। लेकिन छतगन कोयल से तेरी बोली कुकू कुकू वाले गीत को आपको याद रखना होगा। आपको लग रहा हो क्या सर, क्या आप पढ़ाते पढ़ाते अचानक फिल्मों की ओर चले गए, गानों की ओर चले गए, भटक गए हैं क्या आप? नहीं छतगन,
जिस प्रकार से खाने में पापड़ चटनी सलाद अचार का महत्व होता है जो कि खाने को स्वाद को बढ़ाता है, उसी प्रकार पढ़ाई में भी ट्रिक का महत्व होता है। और ट्रिक को कहीं से भी लाया जा सकता है छात्रगण, चाहे वो फिल्मों से हो चाहे वो अन्य किसी भी स्थान से हो। और उस ट्रिक को आपको याद कर लेने से क्या होता है कि आप उसे भूलते नहीं है, ये भी आपके स्वाद को बढ़ा देता है पढ़ाई के, ये भी पापड़ चटनी सलाद अचार की तरह काम करता है छात्रगण, है ना, याद रखिएगा छात्रगण। उस गाने को आप याद कीजिए, कोयल सी तेरी बोली, जो कि माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर में फिल्माया गया था, कुकु 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 सूरत है कितनी भोली, कुकु 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 कुकु। तो आपको बस वही गाना याद रखना है छात्रगण, कुकु 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 कु 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 कु, है ना छात्रगण। छात्रगण ये कुकु कुकु मैं क्यों बोल रहा हूं, कु से हो जाएगा छात्रगण कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक कु से हो जाएगा छात्रगण कुतुब मीनार, कु से हो जाएगा छात्रगण कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, याद में बनाया गया था छात्रगण। अकु से कुवत उल इस्लाम मस्जिद, है ना छात्रगण। तो गाने में हिट रही है छात्रगण, कुकु 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 कोयल से तेरी बोली, कुकु 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 कुकु। तो छात्रगण इस कुकु कुकु गीत को आपको भी गुनगुनाना है और ट्रिक को याद कर लेना है, करी क्या है कुकु कुकु। तो छात्रगण कु से कुतुबुद्दीन ऐबक, कु से कुतुब मीनार, कु से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, कु से कुवतुल इस्लाम मस्जिद जो कि भारत की पहली मस्जिद थी छात्रगण, कुवतुल इस्लाम मस्जिद भारत की पहली मस्जिद थी जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में महलौली में बनवाया था छात्रगण। कुतुब मीनार भी दिल्ली की महलौली में बनवाया गया था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के द्वारा, है ना। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनाया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाया था। कुवतुल इस्लाम मस्जिद भारत की पहली मस्जिद थी जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो छात्रगण इस गाने के द्वारा आप इसे याद रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप भूल गए कि कुतुब मीनार किसने बनवाया था, तो तुरंत याद रखिएगा कि कुतुब मीनार जिसने बनवाया था उसका नाम भी कु से है, कुकु 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 कु 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 कु, चार बार कु आ रहा है छात्रगण, कुकु 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 कुकु, है ना, कुकु 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 कुकु। तो इसी कुकु कुकु से आपको याद रखना है कुतुब मीनार किसने बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। किसकी याद में बनाया, तो फिर कु से उसका नाम है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाया, है ना छात्रगण। भारत की पहली मस्जिद का क्या नाम था, कुवतुल इस्लाम मस्जिद, यहां भी कु शब्द है, किसने बनाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था छात्रगण, ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से आप इस गीत के माध्यम से याद रख सकते हैं, इस गाने के माध्यम से याद रख सकते हैं, ध्यान रखेंगे। अब हेडिंग बनेगा छात्रगण, खिलजी कालीन स्थापत्य कला। छात्रगण अब हेडिंग बनेगा अपने नोट्स कॉपी में, खिलजी कालीन स्थापत्य कला, खिलजी। खिलजी कालीन स्थापत्य कला लिखेगा, खिलजी कालीन स्थापत्य कला कला में विलासिता का प्रदर्शन होता है, विलासिता का प्रदर्शन होता है, है। नेक्स्ट, खिलजीकालीन वास्तुकला में, खिलजीकालीन वास्तुकला में संगमरमर एवं बहुमूल्य पत्थरों एवं रत्नों का प्रयोग किया गया है, बहुमूल्य पत्थरों एवं रत्नों का प्रयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है, बहुमूल्य पत्थरों एवं रत्नों का प्रयोग किया गया है, किया गया है। नेक्स्ट, तीर्थनिषद, तीर्थनिषद
जलालुद्दीन खिलजी के समय स्थापत्य कला, हेडिंग बनाएंगे जलालुद्दीन खिलजी के समय स्थापत्य कला, खिलजी के समय स्थापत्य कला लिखे। इसने किलोखदी नमक नगर की स्थापना की तथा इसे दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाया था, राजधानी बनाया था। नेक्स्ट हेडिंग बनेगा अलाउद्दीन खिलजी के समय स्थापत्य कला, अलाउद्दीन खिलजी के समय स्थापत्य कला, अलाउद्दीन खिलजी के समय स्थापत्य कला लिखेंगे। नंबर एक अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा लिखेंगे छतगन। दिल्ली के महरौली में स्थित यह दरवाजा, दरवाजा कुवतुल इस्लाम मस्जिद, कुवतुल इस्लाम मस्जिद एवं कुतुब मीनार, मीनार का प्रवेश द्वार है, कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है, है। नेक्स्ट नंबर दो इमारत का नाम लिखेंगे छात्रगण, श्रीनगर आ चुका है बहुत बार, श्रीनगर लिखे। इसे नया नगर भी कहा जाता है, नया नगर भी कहा जाता है, जाता है, जाता है। नेक्स्ट हौज एक खास, हौज एक खास लिखे। सिंचाई के लिए इस तालाब का निर्माण, निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, करवाया था। नेक्स्ट नंबर चार जमायत खाना मस्जिद, जमायत खाना मस्जिद ठीक है। दिल्ली सल्तनत की पूर्णतः इस्लामिक कला से निर्मित, पूर्णतः इस्लामिक कला से निर्मित यह भारत की पहली मस्जिद थी, भारत की पहली मस्जिद थी, थी। छात्रों क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अलाई दरवाजा का निर्माण कहां किया गया, दिल्ली के महरौली में। कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, अलाई दरवाजा को। कुतुल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, अलाई दरवाजा को। छात्रगण ट्रिक से आपको याद रखना होगा, अ से अलाउद्दीन और अ से ही छात्रगण
हलाई दरवाजा, आ आ है ना छतगन, आ से अलाउद्दीन खिलजी, आ से अलाई दरवाजा, याद रखिएगा छतगन, अलाउद्दीन खिलजी नहीं अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। आ शब्द आपके कॉमन हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा छतगन। श्रीनगर जिसे नया नगर कहा जाता है, और यहीं पर सीरी फोर्ट, सीरी का किला भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, है ना। पूछेगा श्रीनगर किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, कहां पर, दिल्ली में, इसे अपनी राजधानी भी इसने बनाया था, और इसे ही नया नगर भी कहा जाता है छतगन। श्रीनगर को इसने अपनी नवीन राजधानी भी बनाया था, ध्यान रखेंगे छतगन। और यहीं पर सीरी फोर्ट, सीरी का किला भी इसने बनवाया था, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी याद रखना होगा, इसे भी स्मरण करना होगा छतगन। छतगन खोजे खास, श्रीनगर में इसने सिंचाई के लिए, किसानों की सिंचाई के लिए एक तालाब का निर्माण करवाया था, जिसका नाम हौज ए खास था, है ना, इसे भी ध्यान रखना होगा। पूछेगा हौज ए खास का निर्माण किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ये सारी इमारतें दिल्ली में हैं। जमायत खाना मस्जिद, छतगन इस्लामिक कला से निर्मित भारत की पहली मस्जिद थी ये, छतगन कुवतुल इस्लाम मस्जिद भारत की पहली मस्जिद थी, लेकिन यह पूर्णतः इस्लामिक कला से निर्मित नहीं थी छतगन, ध्यान रखिएगा, पूर्णतः इस्लामिक कला से निर्मित भारत की पहली मस्जिद थी जमायत खाना मस्जिद। क्योंकि छतगन इस मस्जिद के निर्माण में नींव से लेकर के पूरे निर्माण तक में कहीं भी भारतीय कला का प्रयोग नहीं किया गया, कहीं भी हिंदू इमारतों का प्रयोग नहीं किया गया, कभी भी कहीं भी हिंदू इमारतों को ध्वस्त कर, हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर उसके मलबे से इस मस्जिद का निर्माण नहीं किया गया। छतगन कुवतुल इस्लाम मस्जिद को भारत की पहली मस्जिद इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें इंडो इस्लामिक कला का यूज किया गया था, है ना। जैन मंदिर हिंदू मंदिरों को तोड़कर उसके मलबे से मस्जिद बनाया गया था, लेकिन छतगन कुवतुल इस्लाम मस्जिद में इंडो इस्लामिक कला का प्रयोग किया गया, लेकिन जमायत खाना मस्जिद में पूर्णतः इस्लामिक कला का प्रयोग किया गया। यहां किसी मंदिर को, किसी हिंदू इमारत को तोड़ा नहीं गया छतगन, विध्वंस नहीं किया गया, पूरे नींव से लेकर के निर्माण तक केवल और केवल इस्लामिक कला का उपयोग किया गया था। इसलिए छतगन जमायत खाना मस्जिद की विशेषता को भी आपको जानना है, यह भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, इसलिए इस पर भी आपको छतगन पैदी निगाह रखनी होगी। छतगन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी इमारत अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बनवाई थी, नंबर एक अलाई दरवाजा, नंबर दो जमायत खाना मस्जिद, नंबर तीन हौजे खास, नंबर चार तुगलकाबाद का किला। तो तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने छतगन नहीं बनवाया था। तो जब तक आपको छतगन याद नहीं रहेगा तब तक इस तरह के प्रश्न आपसे नहीं बनेंगे, इसलिए छतगन आपको इसे याद रखना होगा, आपको इसे मनन करना होगा, आपको इसे अध्ययन करना होगा, आपको एक एक चीजों को छतगन याद रखना होगा ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाए तो कहीं भी आपको दिक्कत ना हो, कहीं भी मुश्किलों का आपको छतगन सामना नहीं करना पड़े। इसे छतगन खिलजी कालीन स्थापत्य कला की जो विशेषता है, क्योंकि खिलजी शासकों के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, पूरा दक्षिण भारत उत्तर भारत जीत करके मंदिरों से अपार धन संपदा की प्राप्ति की थी मलिक काफूर ने, अश्वर विलासिता जबरदस्त नजर आती है, बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग, रत्नों का उपयोग और खासकर संगमरमर का उपयोग यहां पर जबरदस्त रूप से देखने को मिलता है छतगन खिलजीकालीन वास्तुकला की विशेषताओं में, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। पूछेगा खिलजीकालीन स्थापत्य कला की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शामिल नहीं थी, नंबर एक विलासिता का उपयोग, नंबर दो धन वैभव का प्रदर्शन, नंबर तीन बहुमूल्य रत्न आभूषण और संगमरमर का उपयोग, नंबर चार लाल पत्थरों का उपयोग। तो लाल पत्थरों का उपयोग खिलजीकालीन इमारतों में बहुत ही कम देखने को मिलता है छतगन, ज्यादा देखने को मिलता है खिलजीकालीन इमारतों में संगमरमर, बहुमूल्य पत्थर और रत्नों का प्रयोग। क्यों? अश्वर विलासिता से परिपूर्ण था, धन वैभव संपदा से परिपूर्ण था खिलजी का काल, क्योंकि खिलजी काल में पैसों की कोई कमी नहीं थी, अपार धन संपदा की प्राप्ति मलिक काफूर ने भी की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने भी की थी अपने सैन्य अभियानों के द्वारा। तो छतगन गुलाम वंश की इमारतों में यह खासियत थी कि लाल पत्थरों से निर्मित होता था, विशाल विशाल इमारतें थी, लेकिन खिलजी काल में अश्वर विलासिता का उपयोग होता था छतगन। इसलिए दोनों के अंतर को समझिएगा, खिलजीकालीन इमारतों में संगमरमर का उपयोग हो रहा है, बहुमूल्य रत्नों का प्रयोग हो रहा है, आभूषणों का उपयोग हो रहा है, बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग हो रहा है, लेकिन गुलाम वंश की इमारतों में बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग हो रहा है नहीं, लाल पत्थरों का उपयोग हो रहा है। तो छतगन इसे भी आपको ध्यान रखना है, मनन करना है, विशेषताओं को याद रखिए छतगन। इंडो इस्लामिक कला क्या है? भारतीय मंदिरों को तोड़कर, भारतीय स्मारकों को तोड़कर, भारतीय भवनों को तोड़कर उसके मलबे से
इस्लामिक इमारतों का निर्माण करना ही इंडो इस्लामिक कला है। लेकिन क्या जमायत खाना मस्जिद में इंडो इस्लामिक कला नजर आता है छात्रगण? नहीं, जमायत खाना मस्जिद में इंडो इस्लामिक कला इसलिए नजर नहीं आता छात्रगण क्योंकि यह मस्जिद पूर्णतः इस्लामिक कला से बनी थी। इस मस्जिद के निर्माण में किसी भी मंदिर को या हिंदू स्मारक को तोड़ा नहीं गया था, जबकि कुवतुल इस्लाम मस्जिद के निर्माण में हिंदू मंदिरों और जैन मंदिरों को ध्वस्त किया गया था। ये सारे टेक्निकल चीजों को छात्रगण याद रखें, तभी सफलता आपके कदम चूमेगी, अन्यथा आप सफलता से कोसों दूर हो जाएंगे। छोटी छोटी बातें महत्वपूर्ण होती है छात्रगण, इसे ध्यान दीजिएगा। तो आज छात्रगण हम लोग यहीं तक रुकेंगे, अगली कक्षाओं में छात्रगण हम लोग जानेंगे तुगलककालीन स्थापत्य कला के बारे में, साथ ही साथ सैयदकालीन स्थापत्य कला और अंतिम लोदीकालीन स्थापत्य कला के बाद हम लोग साहित्य में प्रवेश करेंगे। छात्रगण ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए आप सबों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद।